हे गाइस, इकोनॉमी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, क्या आप भी चाहते हैं अपने पैसे सेव करना? अगर चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको यूज करके गाइस आप लोग अपनी मनी को ट्रैक कर पाएंगे एंड अच्छी खासी सेविंग कर सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहेगा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो गाइस, एप्लीकेशन का नाम है कैश चेक। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन करके सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट कर लेना है, यानी कि साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही ईजी एंड सिंपल यूआई दिखने को मिल जाता है, जिसके कारण आप अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को ईजिली यूज़ कर पाते हैं। और गाइस, बात करें इस एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स के बारे में, सबसे पहले तो बता देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही लाइट वेट है। इस ऐप का साइज़ है सिर्फ 2 MB। जी हाँ गाइस, सिर्फ 2 MB का अपडेट है, यानी कि आपके मोबाइल में ज़्यादा स्टोरेज भी कवर नहीं करेगा ये एप्लीकेशन। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी तरह का परमिशन आपसे नहीं मांगा जाता इस एप्लीकेशन पे। चलिए गाइस, अब देखते हैं कि कैसे आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके सेविंग कर पाएंगे। अब गाइस, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप मनी ट्रैक कर पाएंगे, यानी कि गाइस आप जान पाएंगे कि आप जो पैसे अर्न करते वो कहाँ से अर्न करते हैं और उनको कहाँ पर स्पेंड करते हैं, जिससे कि अगर आप कहीं पर भी मनी वेस्ट कर रहे हैं तो उसको आप यहां पर सेव कर पाएंगे एंड अच्छी खासी अपनी सेविंग कर पाएंगे। तो गाइस, चलिए अब देखते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। होम टैब पे आपको अपने जितनी भी डेटा है, जो एनालिटिक्स है, वो दिखने को मिलता है। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं इस महीने आपने कितने अर्न किया, कितना यहाँ पर स्पेंड किया वो दिखने को मिलता है। आज आपने कितने स्पेंड किया, कितना अर्निंग किया वो देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं तो उसकी भी इन्फो यहाँ पर आपको दिखने को मिलती है, यानी कि आप ये भी देख सकते हैं आपको कितने पैसे किसी को देना है या कितने पैसे किसी से कर्ज लेना है, वो सब कुछ देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे में आपको ग्राफ देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप पर मंथ कितनी अर्निंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपने कितने यहाँ पर स्पेंड किया, वो पूरा एनालिटिक्स दिखने को मिल जाता है। उसके अलावा नीचे में आप टुडे एक्सपेंस एंड टुडे इनकम, आज कितना एक्सपेंड किया, कितना इनकम किया, वो सारे कुछ देख पाएंगे। अब गाइस, मेनली इस एप्लीकेशन का ये है कि यहाँ पर ना आप जान पाएंगे कि आप एक दिन में कितना अर्न करते हैं और उसे कितना यहाँ पर आप स्पेंड करते हैं, जिससे कि एक आपको डेटा पता चलेगा कि आपको कहाँ पर मनी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं पे ज़्यादा पैसा यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं तो उसे आप कम कर सकते हैं एंड यहाँ पर सेविंग कर पाएंगे। दूसरी बात गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक्सपेंस एंड जो इनकम है वो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में आपको एक्सपेंस एंड इनकम का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर गाइस आप लोग ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने आज कोई खर्च किया पैसा, किसी तरह का शॉपिंग किया, तो वो आपको ऐड एक्सपेंस का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको पहले तो चूज़ करना है कि आपने पैसे कहाँ स्पेंड किया, अगर मोबाइल रिचार्ज किया, फूड पे एक्सपेंस किया, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आपने आज रेंट दिया और उसका कितना अमाउंट है, लाइक 2500 आपने दिया, उसको ऐड कर देना, जिससे कि गाइस ये जो अमाउंट है ये ऐड हो जाएगा एंड आपको शो होगा कि आपने इतने रुपये आज खर्च किया। उसके अलावा अगर आपने कुछ अर्निंग किया, लाइक अगर आपको आज सैलरी मिली अपनी, या किसी तरह का अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से कुछ मनी मिलता है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे आज 10,000 रुपये मेरी सैलरी मिली तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ, जिससे कि वो ऐड हो जाएगा कि इस महीने आपने इतना खर्च किया और इतना यहाँ पर अर्निंग किया। उसके अलावा गाइस, यहाँ पर आपको एक और बहुत अच्छा फीचर ये मिल जाता है। आप नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं कि इस महीने यानी कि आपने कितना टोटल अर्निंग किया और कितना यहाँ पर आपने स्पेंड किया। उसके अलावा यहाँ पर आपको डेब्ट का ऑप्शन मिल जाता है साइड में, जिससे कि गाइस बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि गाइस अगर आपने किसी को कर्ज दिया, लाइक अगर आपने किसी को पैसे लेंड दिया या किसी से बोरो किया मनी, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, आप डेब्ट ऐड कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पर किसी से पैसे मांगा है, कर्ज लिया है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी को दिया तो वो डेटा को भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको किससे पैसे लेना है और किसको पैसा देना है। तो ये पूरा आपको यहाँ पर डेटा दिखने को मिल जाता है। साथ ही साथ नीचे में भी आपको कुछ कैटेगरीज दिखने को मिल जाती है, जैसे कि डैशबोर्ड पे आपके टोटल इनकम एंड एक्सपेंस दिखने को मिलते हैं। उसके अलावा कैटेगरीज आप देख सकते हैं, लाइक आपने जो एक्सपेंस किया, जो स्पेंडिंग किया, वो कहाँ पर किया, कौन कौन से कैटेगरी के थ्रू किया, लाइक आपने मोबाइल रिचार्ज किया, ऑनलाइन शॉपिंग किया, रेंट दिया, वो सब कुछ देख सकते हैं, कितना रुपए खर्च हुआ वो देख सकते हैं। उसके अलावा इनकम आप चेक कर सकते हैं, आपको इनकम कहाँ कहाँ से मिली है वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप पूरे ईयर का जो एक्सपेंस रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो गाइस बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन पे आपको एक और बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है, जो कि है रिमाइंडर का फीचर। गाइस ऊपर में आपको रिमाइंडर का फीचर मिल जाता है, जहां पर अगर आपको किसी तरह का बिल, लोन पे करना है, तो उसका आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने आपको इस महीने के लास्ट तक अगर आपको किसी तरह का बिल पे करना है, या फिर अगर आपने लोन लिया है तो लोन पे करना है,
उसका आप रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं। एंड अमाउंट आपको ऐड करना है और कब तक उस अमाउंट को पे करना है वो आपको सिंपली ऐड कर देना है। उसके बाद आपको रिमाइंडर दिया जाएगा कि ये आपका बिल है या आपका ये लोन बाकी है, आपको इसको पे करना है। ये सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन पे दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं अपने मनी को ट्रैक करना, अपने मनी को सेव करना, तो एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।